बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी पटना के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बिना मास्क के पटना जंक्शन जैसे संवेदनशील जगहों पर लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। इसी को देखते हुए जाप के कार्यकर्ताओं ने मास्क के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने की एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें पटना जंक्शन पर बिना मास्क वाले लोगों को मास्क देकर और गुलाब का फूल देकर उनसे प्रार्थना की गई कि मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा है और मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं जाप के महासचिव आनंद कुमार सिंह ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए बिना मास्क घूमते हुए लोगों को मास्क दिया जा रहा है, साथ में गुलाब का फूल भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये आदेश किया गया कि आप लोग एक टुकड़ी लेकर के और पटना जंक्शन पर जाइए और वहाँ पर जितने भी बिना मास्क के लोग यात्री उतर रहे हैं या यात्री करने के लिए जा रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है। जनाधिकार पार्टी के तरफ से ये हम लोगों को निर्देशित किया गया था और जितने भी स्टेशन के परिसर में लोग हैं बिना मास्क के मिल रहे हैं, हम लोग उनको मास्क दे रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं सभी लोगों को और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कोरोना के कहर को बचाइए और मास्क को जरूरी से। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकलें।